अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाज़रीन, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको बताया था कि हाफिज़ वसीम जो पानीपत के रहने वाले हैं, इनको किसी ने कत्ल करके हाफिज़ वसीम के भाई के मोबाइल पर उनकी लाश की फ़ोटो भेजा था। पुलिस ने इसके बारे में खूब छानबीन की, खूब तफ्तीश की, उसके बाद आखिरकार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, हाफिज़ वसीम का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसी का दोस्त है, उसी का साथी है जो तावीज़ बनाने का काम करता है। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी शैतान की तस्वीर है जिसने अपने साथी हाफिज़ वसीम को मौत की नींद सुला दिया है। मुलजिम यानी जिसने हाफिज़ वसीम को कत्ल किया है, उसका नाम दिलशाद वल्द रफीक है। ये उत्तर प्रदेश के जिला शामली के कस्बा किराने का रहने वाला है। ये अपने ही गाँव में तावीज़ात का काम करता था। हाफिज़ वसीम का इसके पास बहुत आना जाना था। अब खुलासा ये निकला कि दोनों के दरमियान कुछ रुपयों का झगड़ा था, पैसों का झगड़ा था। हाफिज़ वसीम को इसने किसी बहाने दूसरी जगह बुलाया और कुछ लोगों के जरिए इसको कत्ल कर दिया। इत्तिफाकी बात यह है कि मुलजिम मोबाइल की लोकेशन के जरिए पकड़ा गया है, क्योंकि इसने हाफिज़ वसीम का जब कत्ल किया है, फिर उनकी लाश की फ़ोटो खींचकर उनके भाई के मोबाइल पर इसने डाल दिया था। पुलिस ने उसी लोकेशन के जरिए इसको पकड़ लिया है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हर रोज़ हालात हाजिरा पर मुख्तसर न्यूज़ के लिए, कम वक्त में बड़ी खबर पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।